कि हाँ मैं जा रही हूँ केरला एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस यार इसी शहर को एक्सप्लोर करने के लिए, इस प्यारी सी जगह को खुली आंखों से देखने के लिए और यहाँ के प्यारे नज़ारे महसूस करने के लिए। एंड मैं उससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके इस बार यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। तो आई होप कि आप सबको ये सारे वीडियोज मेरे अच्छे लगे एंड मेरी ट्रैवल सीरीज जो केरला की मैं बना रही हूँ ये अच्छी लगे। एंड अगर अच्छी लगती है तो जरूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बाकी मिलते हैं आप केरला में। बाय। पहुंच चुकी हूँ जो कि केरला में है, ये मेरा पहला डेस्टिनेशन है। एंड अभी बज रहा है सुबह के 6, मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे बीच जाना था सुबह सुबह 5 बजे। तो जब मैं 5 बजे उठी काफ़ी अंधेरा था, तो मैं सोचा मैं इतनी अंधेरे में नहीं निकल सकती हूँ, तो मैं दोबारा सो गई थी। एंड देन आई गॉट अप एट 5:40, फटाफट से रेडी होकर मैं अभी निकली हूँ। एंड मैं अभी जा रही हूँ ब्लैक सैंड बीच आप सबको दिखाने की, यहाँ का जो फेमस ब्लैक सैंड बीच है वो कैसा दिखता है। एंड उसके बाद कुछ और जगह जो मैं आपको वहाँ पहुँच कर दिखाऊँगी, बट देखते हैं अभी ये ब्लैक सैंड बीच कैसा निकलता है, कितना सुंदर है एंड ये कैसी जगह है। तो स्टे ट्यून्ड। तो ब्लैक सैंड बीच जाने से पहले मैं आपको ये नज़ारे दिखा दूँ जो मैं अभी देख रही हूँ। ये रहा बीच, ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मैं कितना पे कर रही हूँ वो मैं आपको डेफिनेटली डिटेल में दिखाऊंगी। बट जैसे ही मैं वहाँ से उतरी और यहाँ से वॉक किया, ये है वो नज़ारा जो मेरे सामने है। बहुत ही अमेजिंग बीच का नज़ारा है। एंड अभी यहाँ से हम वॉक करते हुए जाएंगे ब्लैक सैंड बीच। वाओ, मतलब इमेजिन आप एक प्रॉपर्टी से निकल रहे हो और आपके सामने बीच है, वो भी सुबह सुबह। एक ही अंकल जा रहे हैं साइकिल पे, देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अगर वो पाता है तो मैं उनसे इंटरेक्शन भी कर लूंगी। तो भाई बहनी जगह को देखो क्या सुंदर है, और पता नहीं क्यों ये नारियल के पेड़ देख के इतनी अच्छी वाइब आती है। You have any net or something? Fishing net. Fishing net. Fishing how? Oh, you collect it. Okay. तो मेरे ख्याल से इनके वहाँ लोग हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ बोट्स दिख रही है, तो शायद ही वहाँ जाते हैं और वो लोग जो फिशिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, इनके पास साइकिल के पीछे एक टब जैसा रखा हुआ है, कभी उसमें डाल के लेके आए। यहाँ की हरियाली देख रहे हो, सुपर अमेजिंग, वेरी गुड। वॉक करते करते हम इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे फिशरमैन फिश को आई थिंक
निकालने जा रहे हैं क्वेश्चन से, बिकॉज आई सी दम पुशिंग द बोट. तो देखना है सबको. There you go. Such beautiful rocks. सुंदर सा एक घर बना हुआ है मेरे ख्याल से, ये भी फिशरमैन का है. और यहाँ पे ये लोग तैयारी कर रहे हैं ओशन में जाने की. ये गए नहीं गए नहीं गए, अभी और धक्का लगाना पड़ेगा. जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको काफी सारा ग्रे 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 कलर का सैंड मेरे पीछे दिख रहा होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इस जगह को ब्लैक सैंड बीच बोलते हैं. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का सैंड किस कलर में है. सी दिस, यहाँ का सैंड एक्चुअली ब्लैक कलर में है गाइस, एंड विच इज व्हाई इसे ब्लैक सैंड बीच बोलते हैं. तो अगर हम थोड़ा भी सैंड को डिक करेंगे तो क्योंकि काला सैंड निकल रहा है, एंड विच इज व्हाई दिस प्लेस सब कुछ डार्क है. तो अभी हम जा रहे हैं कापिल बीच, बट उसके पहले मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है आपको एक सुंदर सा नजारा दिखाने के लिए. लुक एट दैट. तो आई थिंक ये कापिल बीच के रास्ते में काफी सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, जैसे कि ये, इसका नाम है ब्लू वाटर. तो शायद अगर आप लोग को बीच के इतने पास रहना पसंद है तो आप लोग इसके बारे में ऑनलाइन में देख सकते हैं, बिकॉज ये कापिल बीच और ब्लैक सैंड बीच के एकदम रास्ते में है, एंड ये बीच के एकदम सामने है. तो अच्छे खासे वुडन कॉटेजेस बने हुए हैं, काफ़ी हरियाली है, छोटा सा पार्क जैसा है. वी हैव अ वेरी क्यूट फेंसिंग ऑल्सो. एंड हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये जगह दिखती कैसे. तो एक छोटा सा पाथवे बना हुआ है, काफ़ी सारे स्टोन्स हैं. ये एक तरह से हल्की सी मरीन ड्राइव की याद दिला रहा है, बट ये जगह काफ़ी क्लीन है. बिफोर कि आप सोचो कि मरीन ड्राइव पे तो यार काफ़ी सारा कचरा दिख जाता है, बट यहाँ वैसा सीन नहीं है थैंकफुली. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ अस, कि हम कुछ कुछ जगह अच्छे से मेनटेन कर रहे हैं. एंड धीरे धीरे आई थिंक क्लेनलीनेस का काफ़ी असर हो रहा है, मतलब जो कैंपेन्स वगैरह करते हैं लोग, ट्रैवलर्स भी जो काफ़ी लोग बताते हैं, आई थिंक उसको काफ़ी लोग सीरियसली लेने लग गए. तो इसीलिए शायद कुछ कुछ जगह साफ दिखने लगी है. तो इसको ऐसे ही मेंटेन करते हैं, कोई गंदगी नहीं फैलाते. तो ये रहा मेरे पीछे का पाथवे, ये रहा बीच एकदम सामने. बाकी आप यहाँ उतर नहीं सकते हो क्योंकि सिर्फ पत्थर है. ये देखने के लिए नज़ारा बहुत सुंदर है. एंड ये रहा हमारा आगे का रास्ता, यहाँ पे चलते हुए जाना है हमें आगे तक, तब जाके कापिल बीच आएगा. लेट्स सी वो कैसे निकलता है. एंड बाकी ये रहे आपके वुडन कॉटेजेस. तो मैंने सोचा मैं एक बार के लिए रुक के आपको ये नज़ारा दिखा दूँ. आई होप आप लोग को पसंद आया, एंड अब चलते हैं आगे कापिल बीच की तरफ. बैग उठा लेते हैं. मुझे कैसे लग रहा है, कुछ तो यहाँ पे तूफान वूफान आया था, सारी जो दीवारें हैं वो ऐसी रह गई और इनकी सारी छत उड़ गई. भाई यहाँ पे जितने कोकोनट ट्रीज है ना, इतने सुंदर लगते हैं, मन करता है पेपर लेके बैठ जाओ सबको स्केच करते हैं. क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है ना, कोकोनट ट्रीज की जो पेंटिंग होती है, सीनरी बहुत प्यारी लगती है. ये देखो ये भाई साहब रस्ते में खड़े एकदम सेंटर में, एकदम लंबे चौड़े, तो सही लग रहा है. मिराकल बाय द वे, अनदर प्रिटी क्यूट स्टे डाउन ऑफ अ प्लेस जस्ट अक्रॉस द बीच.
क्या नजारे, ऐसे मन कर रहा है मैं चलते ही जाऊं। ये बात और है, थकान भी है तो बहुत मजा आएगा ऑनेस्टली। तो हम अभी भी चलते जा रहे हैं और कपिल बीच पहुंचे नहीं है, बट रास्ते में जो सुंदर सुंदर नजारे आ रहे हैं ना, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मैं दिखाऊं अभी मुझे क्या दिखा है। ये देखो ये फिर से बैकवाटर्स कहीं से बहते हुए बीच के ऊपर निकल रहा है, और जिस तरीके से ये बीच के साथ मिक्स हो रहा है, और यहाँ पे ये जो रॉक्स है तो ये इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे पता नहीं कैमरे में अगर ये उतना ही सुंदर लग रहा है, बट जब मैं इसको खुली आंखों से देख रही हूँ तो मुझे ये इतना सुंदर लग रहा है नज़ारा, मन कर रहा है बस मैं भी उधर जाके बैठ जाऊँ पानी के अंदर, बट मुझे आगे जाना है, मैं भी बैठ नहीं सकती। वेरी गुड। मैं यहाँ से वॉक करते हुए आई और मैं जैसे ही देखूँ यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा दिख गया, मैं भी रुक जाती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, और नहीं आपको लगा कि मैं ऐसी रुक गई तो वो भी बता देना कमेंट में, अगली बार नहीं रुकूंगी इतना ज़्यादा। ये अंकल पता नहीं क्या बोल के चले गए, एक तो यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो समझ भी नहीं आता कौन क्या बोल के जा रहे हैं। मेरा मन कर रहा है ये जो जगह है ना यहाँ पे, यहाँ बैठ के मैं फोटो खींचू, क्या मस्त फोटो आएगा, बट फोटो खिंचाने के चक्कर में पता चला ये जो गड्ढे इधर इसमें गिर गए, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले। चलते आगे। तो वैसे अभी शायद बज रहे हैं 6:30-7, फोन मैंने अंदर रखा हुआ है, घड़ी मैंने पहनी नहीं है आज, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे भी काफ़ी सारा फॉग है जो शायद कैमरा में नहीं कैप्चर हो रहा है, बट बहुत मतलब सुंदर सुंदर लग रहा है, पता है एकदम फॉगी सा डेंस ग्रीन पेड़ एंड पूरी हरियाली, डार्क ब्राउन कलर की मिट्टी, सो मतलब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। और मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि कैमरा में यार एग्जैक्टली वैसा पिक्चराइजेशन कैप्चर नहीं होता है जैसे कि हमारी आंखें देखती है, ये आई एम श्योर आप सब आप भी करेंगे, तो इसलिए हल्का हल्का डिस्क्राइब भी कर दे रही हूँ ताकि आप जो देखो उसको मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग पिक्चराइज करके इमेजिन भी कर पाओ तो वो जगह और सुंदर लगे और आप और मोटिवेट हो जाओगे ट्रैवल करने के लिए, वर्कला आने के लिए, केरला आने के लिए। तो क्या लगता है कितनी देर में हम कापिल बीच पहुँचेंगे? मुझे लग रहा है ऐसे रुकते रुकते गई तो आज पता चला पहुँचते पहुँचती रात होगी और वहीं रूम लेके स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि परकला का जो स्ट्रेच है काफ़ी हिली है एंड सेक्लूडेड भी है, तो यहाँ पे आपको इवनिंग टाइम्स में क्राउड उतना नहीं दिखता है, तो इट्स अ लिटिल रिस्की अगर आप अकेले वॉक कर रहे हो, तो बेटर है सेफ्टी प्रिकॉशंस लो उस टाइम के दौरान वॉक करो या घूमो जब लोग हो, डे लाइट हो, क्योंकि सबकी सेफ्टी अपने हाथों में होती है, मतलब इंडिविजुअली जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। तो हाँ देखते हैं कि मैं एक और जगह पहुँची, अब मैं उधर का दिखाती हूँ। ये बीच भाई साहब हमारे साथ ही चल रहे हैं, बीच बीच में ये चुन्नू मुन्नू से दोस्त भी मिल रहे प्यारे प्यारे, और पता नहीं ये कैमरा देख के भाग रहे, उनको शायद कैमरा से डर लगता है इसलिए मैं इनके पास भी नहीं जा रही ज्यादा, पता चला दिमाग खराब हो गया मेरे को भूल गए।
मैंने अभी एक बाइक राइड की है, तो मैं फाइनली कापिल के पास पहुंच चुकी हूँ एंड मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाह रही थी। तो मैं कापिल इसलिए आना चाह रही थी क्योंकि कापिल जो है बीच इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक लेक है और एक बीच है, तो दोनों के बीच में एक रोड है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं इस जगह को देखूँ। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, वहाँ बहुत दूर मेरे पीछे पेड़ों की उस तरफ आपको बीच दिख रही होगी और मेरे एकदम पीछे लेक, और वो जो बीच की जगह है वो रोड है। तो अब देखते हैं चलो कैसे लगता है ये जगह। आई एम वेरी एक्साइटेड। लॉबी में आप आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा रिसेप्शन है, काफ़ी बड़ी लॉबी है, और फिर जो है आपके फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी डॉम्स और प्राइवेट रूम्स हैं और आपके ग्राउंड फ्लोर पे भी है। एंड ये जो अभी आप देख रहे हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, एकदम बेडरूम्स के सामने बीच व्यू है, काफ़ी सारी स्पेस है जहाँ पे आप अपने कपड़े डाल सकते हैं, आप शाम में समय बिता सकते हैं, वहाँ खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बीच को देख सकते हैं। और हॉस्टल की वर्कला की बिल्डिंग जो है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है। और अब जो हम रूफ टॉप पर आ चुके हैं, रूफ टॉप पर बीच व्यू बहुत ही अमेजिंग है, इनफैक्ट आप सनसेट व्यू भी देख सकते हैं। रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट एंड लॉन्च है, वॉल बेसिंस है, तो अगर आप कुछ खा रहे हो आप जाके हाथ वाथ धो सकते हो। सन बेड पे आप लेट के आराम से सनसेट देख सकते हैं, रूफ टॉप पे आप वॉक कर सकते हो और बीच का पूरी तरीके से मज़ा ले सकते हो। ये जो सामने दिख रहा है वो सनसेट का ही टाइम है क्योंकि मैं ये वीडियो भी शाम के टाइम ले रही हूँ, एंड बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस पूरे सनसेट का हॉस्टल के रूफ टॉप। और ये रहा आगे का हिस्सा, तो अगर आप बाहर रोड से देखोगे तो हॉस्टल ऐसे दिखता है, और जैसे कि मैंने बोला तीन हिस्सों में बटा है, और रिसेप्शन में भी कुछ डॉर्म्स और बेडरूम्स हैं। जो आपका लॉबी है वो भी ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन के पास है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में भी काफ़ी सारे डॉर्म्स एंड प्राइवेट रूम्स हैं, और रूफ टॉप पर कोई डॉर्म्स या प्राइवेट रूम नहीं है। रूफ टॉप से आपका वर्किंग स्पेस है और रेस्टोरेंट एंड लॉन्च है। तो ये किचन एरिया है, यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर देते हो बन जाता है। वैसे हॉस्टल काफ़ी क्रिएटिवली बना हुआ है, तो ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये सारी आर्टिस्ट से बनाई हुई है। इसके सामने एकदम एक बेड रखा हुआ है, वहाँ पर आराम से आप लेट कर बीच का मज़ा ले सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं टेका लेकर। एंड ये जो है इनका रेस्टोरेंट काफ़ी स्पेशियस है,
तो अगर आप ग्रुप में भी आ रहे हो तो काफ़ी बड़े टेबल्स हैं, काफ़ी सारे चेयर्स हैं, सोफाज हैं, आप आराम से बैठ सकते हो, बीच के सामने अपना लैपटॉप खोलकर काम भी कर सकते हो। अगर आपको गर्मी लगती है, टेबल फैंस है, साइड फैंस है, तो आप उनको उनका यूज़ कर सकते हो एंड सुंदर से बीच का मज़ा ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को हॉस्टल अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों ने इस जगह को इंजॉय किया जिस तरह से मैंने दिखाया। आई होप मैं सब चीज़ कवर कर पाई। तो गाइस सीन ऐसा है कि हॉस्टल का अभी मैं 450 पे कर रही हूँ पर डे एंड मैं केरला काफ़ी समय रहने वाली हूँ, वर्तला से मैं और भी आगे जाने वाली हूँ। तो कुछ कुछ जगहों पर मैं बैकपैक हॉस्टल चूज करूँगी जैसे कि हॉस्टल एंड कुछ कुछ जगह कोई हॉस्टल। बट कभी भी अगर आप कहीं पर जाओ और आपको जैसे अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपको अच्छी कंपनी चाहिए, तो आप जस्ट भी चूज़ कर सकते हो कि आप कोई और बैकपैकिंग हॉस्टल भी काफ़ी सारे हैं और रिव्यूज़ पढ़ के ज़्यादा लगते हैं, रिव्यूज़ मैटर अ लॉट। अगर अच्छी जगह नहीं होगी, क्लीनलीनेस नहीं होगी, तो लोग लिख देते हैं, मैं भी लिख देती हूँ, तो रिव्यूज़ डेफिनेटली पढ़ना। रिव्यूज़ के बेसिस पे आप जा सकते हो, मतलब 80% ऑफ द टाइम अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो जगह अच्छी निकलती है। तो हाँ बस यही सीन है। और मैं यहाँ रहने वाले भी 2-3 दिन और तो बर्तला की और काफ़ी सारी जगह मैं आपको दिखाऊँगी कि और कुछ एक्सप्लोर करना है। इसके बाद फिर मैं और भी दूसरी जगह घूमने वाली हूँ केरला में। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे एंड अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में डाल देना। और बस इतना ही अभी के लिए, बाकी मिलते हैं फिर जब तक मैं केरला में हूँ। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर ब्लॉग्स बनाते रहूँ, तो अगर आपको केरला के बारे में जानना है, जब वो और देखना है, तो आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं। बाय।